इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ढेर सारा फॉर्म, एक्सप्लोर करेंगे नेदर और फाइनली वर्ल्ड हाइट से करेंगे एमएलजी। तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ? स्वागत है आप सभी का एपिसोड 2 के अंदर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अंदर घुस जाता हूँ केव के, ताकि अपने लिए थोड़ा सा कोबलस्टोन और ओट्स कलेक्ट कर पाऊँ। जब मैं ओट्स कलेक्ट कर रहा था, तभी अचानक से कुछ जॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। फाइनली मैं जैसे तैसे इन ज़ॉम्बियों को मार देता हूँ और केव के बाहर आ जाता हूँ। और केव के बाहर आने के बाद अपने लिए एक शानदार सा जगह ढूंढ लेता हूँ और वहाँ पे अपने आयरन फॉर्म बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। आयरन फार्म बाहर से रेडी होने के बाद मैं निकल जाता हूँ विलेजर कॉलोनी। और एक एक करके विलेजर को अपने फार्म के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद बारी आ जाता है ज़ॉम्बी को लाने की। थोड़ा सा हार्ड था, पर मैं जैसे तैसे ज़ॉम्बी को ट्रैप कर लेता हूँ। जब थोड़ा सा बाकी का काम करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, भी अचानक से अपने फार्म के अंदर आयरन गोलम प्रकट हो जाता है, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी होता है, क्योंकि अपना फार्म फाइनली काम कर रहा था। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ नेदर पोर्टल बनाना। और नेदर पोर्टल होने के बाद जब मैं नेदर में आता हूँ, तब नेदर को देख के मुझे थोड़ा सा घबराहट महसूस होता है। पर इस सभी को मैं नेगलेक्ट करते हुए लालची बन के नेदर का सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी और देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे फाइनली एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है। और उस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर मेरे ऊपर कुछ ब्लेज अटैक कर लेते हैं। मैं जैसे तैसे इन ब्लेज को मार देता हूँ। और आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे दो चेस्ट दिखता है। उसके अंदर से मैं अच्छा खासा लूट ले लेता हूं। और फाइनली अपना नेदर वॉट और सोल सैल कनेक्ट करके अपने ओवरवर्ल्ड में जिंदा वापस आ जाता हूं। वापस आने के बाद मैं लग जाता हूं अपने खानदानी काम में, यानी खेती बाड़ी करने में, जिससे कि मुझे आगे जाके ढेर सारा अनाज मिलेगा और उससे मुझे आगे खाने की कोई कमी नहीं होगी। और इन गाजर और आलू को लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ एक शानदार जगह में, जहाँ पे मैं एक सुंदर सा ब्रीडिंग फार्म बनाने वाला था। फार्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मुझे जमीन के अंदर डिग करना होगा। उसके बाद एक थोड़ा सा जगह बनाना होगा, ताकि ऊपर से जो बेबी विलेजर है नीचे आराम से आ पाए और फ्लो के नीचे आएंगे। तभी जो मैं डिस्पेंसर लगाने वाला हूँ, उसमें से माइनकार्ट निकलेगा और इन छोटे विलेजर जब बड़े होंगे तो इनको कैरी करके ऊपर लाएंगे और उन्हीं विलेजरों को मैं मजदूरी करने के लिए अपने नए नए फार्म में लेके जाऊंगा।
जब मैं बाकी का काम कर रहा था इसी फार्म का, तभी मेरे सामने दो विलेजर कुछ हरकतें कर रहे थे। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फार्म बनाने के प्रोसेस में, यानी अपना फूड फार्म, क्योंकि फूड बहुत जरूरी होता है। फूड फार्म का बाहर का डिजाइन लगभग रेडी हो चुका है, तो अभी बस बाकी है तो विलेजर को लाना। तो विलेजर को लाने के लिए हम अपना वही पुराना ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करेंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने फूड फार्म से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, यानी इतना सा फूड मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वो समय आ चुका है जिसका आप सभी लोग कब से इंतजार कर रहे थे, यानी मैं वर्ल्ड हाइट लिमिट से MLG करने वाला हूँ। भाई साहब फाइनली यार मैं सरवाइव कर गया वर्ल्ड हाइट लिमिट से MLG में, वो भी हार्डकोर में। इस बात के लिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का सब्सक्राइब बटन भी दबा देना अगर नए हो। फिर मैं लग जाता हूँ रेड फार्म बनाने के कार्य में, ताकि आगे जाके यही टोटम मुझे जिंदा रखे। ताकि एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखता है एक विलेजर आउटपोस्ट, और मैं उस विलेजर आउटपोस्ट में पहुंचने के बाद उन विलेजरों के साथ कुछ ये करता हूं। फिर उनके घर में घुसने के बाद, पिलेजरों का सामान चुराने के बाद, मैं वहां से कूद के भागने का तैयारी करता हूँ। वहां पे बचे कुचे जो पिलेजर थे वो लोग मेरे ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं जैसे तैसे इनसे फाइट कंप्लीट करने के बाद अपने फार्म के पास आ जाता हूँ, तभी यहाँ पे रेड होना स्टार्ट हो जाता है। आखिरकार थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये रेड कंप्लीट हो जाता है और मैं हीरो ऑफ द विलेज बन जाता हूँ, और मेरे पास फाइनली कुछ इतना सा टोटम और थोड़ा सा एम्ब्रॉयड हो जाता है।